ड्रामा सीरियल बेबेबाजी की बहू के एपिसोड नंबर 22 में क्या कुछ होगा नाजरीन, तो जानिए इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड नंबर 22 ड्रामा सीरियल बेबेबाजी की बहू में आप लोग देखेंगे कि जब पूरा महीना जो है वो काम करने पर असमा जो है वो देती है सायरा को तनख्वाह, जिस पर सायरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बोलती है अपनी माँ से कि जिस तनख्वाह के उसने मुझे दी है ना उससे तो आधी तनख्वाह मैं उसको दूंगी। जिस पर उसकी माँ जो है वो सायरा की सायरा को कहती है जिस तनख्वाह के लायक उसने तुमने रखा है तो तुम तो वैसे ही जॉब छोड़ दो। जिस पर बोलती है सायरा अपनी फूफी को अपनी माँ को जिस तनख्वाह के लायक उसने मुझे समझा है ना इससे आधी तनख्वाह पर मैं उसको अपने मुलाजमत रखूँगी, इसको अपने बिजनेस में। जी हाँ, तो उधर दूसरी जनब आप लोग देखेंगे कि जब पूछेगी फूफी सायरा की माँ सायरा से कि जूड़ा सही है ना, जिस पर बोलेगी सायरा ये रात को किसको दिखाना है जूड़ा, आपने सोने का वक़्त है। जिस पर बोलेगी फूफो लेकिन मैंने जो है वो सोना है जूड़ा बहन के चूड़ा बांध के, शायद ख्वाब में ही कोई अच्छा आ जाए, ख्वाब में ही कुछ अच्छा हो जाए। उधर दूसरी जानब आप लोग देखेंगे कि जब बोलेगी जी हाँ समर अपनी माँ से कि वलीद का रिश्ता अब आएगा उसको मना मत कीजिएगा, अम्मी प्लीज़ आप क्या पुरानी बातों को फिर से तो नहीं जो है वो छोड़ देंगी, आप पुरानी बातों को भूल जाए ना और हमारा जो है वो रिश्ता होना दें। जिस पर बोलती है आगे से समन की माँ बड़ों के फैसले हैं, बड़ों को ही सुलझाने दो, तुम इसमें खामोश रहो। जी हाँ, तो उधर दूसरी जानब आप लोग देखेंगे कि जब नसीर और असमा जो है को नसीर बोल रहा होगा, मुझे लगता है कि वासफ और फरहत में कोई मसला चल रहा है। जी हाँ, वो आपस में बोल नहीं रहे और दोनों की लड़ाई भी खूब है जो कि नसीर को ने नोट की। उधर आप लोग देखेंगे हम तो सबके सामने यहाँ बैठ कर अजरा बोलती है ये बात जो है वो सायरा और सरीर की माँ को कि हम तो जो है वो सबके सामने बैठ कर बात करते हैं और ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तुम लोग तो कोनों कुदरों में छुप छुप कर सांसें करते हो। जिस पर जो है वो बुरा तो लगता है उनको लेकिन वो खामोश हो जाते हैं। उधर आप लोग देखेंगे कि जब बोलेगा कि कल हम वलीद के रिश्ते के लिए जा रहे हैं, अजरा बोलेगी जी हाँ इसकी जो है वो तारीख तय करनी, जिस पर वलीद बहुत ज़्यादा खुश होगा और मिठाई भी ला कर देगा घर वालों को। उधर आप लोग देखेंगे कि जब बोलेगी फूफो कि मैंने उसको बदजन तो उसकी माँ को बहुत ज़्यादा किया था कि वो इधर रिश्ता ना करे लेकिन जो है वो बेशरम निकली और वो इधर रिश्ता करने पर आवादा हो गई। आपको क्या लगता है नाजरीन कि क्या जो है वो ले लेगी अजरा की जगह सायरा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें।